टुडे वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द आउटलाइन ऑफ टुडे लेक्चर इज व्हाट इज मीन बाय टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेक्स्ट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड एट लास्ट वी डिस्कस अबाउट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहता है डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम रिकॉग्नाइज टू टू सिक्स किंगडम। First centuries, the living organism have been classified into two kingdoms, plant and animals. कहते बहुत लंबे अरसे तक living organism को सिर्फ दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, इसको हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। और ये दो किंगडम कौन कौन से थे, प्लांट और एनिमल्स। कहते प्लांट किंगडम प्लांट्स में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इन ऑर्गेनिक मटीरियल एंड स्टोर्ड एनर्जी। के ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे, मतलब कि इन ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कि इन ऑर्गेनिक मटीरियल को ऑर्गेनिक मटीरियल में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर सकते थे उसको किंगडम प्लांट में रख दिया गया। फिर इसको हम ऑटो ट्रॉफ भी बोलते हैं। ऑटो मीन्स खुदकार और ट्रॉफ मीन बनाना, कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो ट्रॉफ। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटो ट्रॉफ थे उनको किंगडम प्लांट में रख दिया गया। कहता जबकि किंगडम एनिमेलिया में किसको रखा गया, कहता ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इन ऑर्गेनिक मटीरियल एंड डिपेंड फॉर देयर फूड एदर ऑन ऑटोट्रॉफ्स और ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। कहते ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड कर रहे थे, मतलब कि या तो ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड करेंगे या फिर हेटरोट्रॉफ पर डिपेंड करेंगे। हेटरोट्रॉफ की क्या डेफिनेशन है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका नाम देते हैं हेटरोट्रॉफ्स। कहते हैं हेटरोट्रॉफ किस पर डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉफ पर भी और हेटरोट्रॉफ पर भी। कैसे ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ पर डिपेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस हैं तो हम प्लांट्स को डायरेक्टली खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट वेजिटेबल्स को खाते हैं तो ये हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। उसके अलावा हम इनडायरेक्टली भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये काऊ वगैरह या बफेलो वगैरह का गोश्त खाते हैं तो ये हम प्लांट्स के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। कैसे इनडायरेक्टली, मतलब कि हम प्लांट्स को डायरेक्टली तो नहीं खा रहे, लेकिन जो काऊ या बफेलो है वो किसको खा रही है, प्लांट्स को खा रही है। तो इसलिए हम फिर जो किंगडम एनिमेलिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉफ पर भी डिपेंड कर रहे होते हैं और हेटरोट्रॉफ पर भी डिपेंड कर रहे होते हैं। कहता फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वाज इंक्लूड नहीं, उसके बाद इसमें बताया था बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, इसमें इसको किंगडम प्लांटी में रखा गया था। उसके बाद इस सिस्टम के डीमेरिट्स हैं, कहता मैनी वेराइटीज फाउंड दिस सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री while others found it unworkable for many unicellular organisms. कहता बहुत से साइंटिस्ट ने इसको इसके सिस्टम को सेटिस्फैक्ट्री करार दिया कि ये एक अच्छा सिस्टम है, इसीलिए ये एक लंबे अरसे तक ये सिस्टम चला। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ख्याल था कि ये सिस्टम अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर से क्या मतलब है कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। कहते लाइक यूग्लिना फॉर एग्जांपल, यूग्लिना दैट है बोथ प्लांट लाइक एन एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक। कहते यूग्लिना के पास दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक भी। प्लांट लाइक कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कि यूग्लिना के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और एनिमल लाइक कौन सी प्रॉपर्टीज थी, कि यूग्लिना के पास सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। हमने फोर्थ चैप्टर में डिफरेंस पढ़े थे बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उधर हमने पढ़ा था कि जो प्लांट का सेल होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एनिमल का सेल होती है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इधर यूग्लिना में भी क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है, तो इसकी ये किससे रिजेंबल कर रही है, एनिमल से। और दूसरी प्लांट से भी रिजेंबल कर रही है कि इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल, जबकि एनिमल के पास क्लोरोफिल नहीं होता।
एंड आल्सो बिकॉज इट इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। और दूसरा डिमेरिट था इसका कि साइंटिस्ट ने इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान डिफरेंस भी नहीं किया। तो ये था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और इसके डिमेरिट। दो किंगडम थे इसमें, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रॉप्स और किंगडम एनिमेलिया में हेटरोट्रॉप्स। और इसके दो डिमेरिट्स है, एक पोजिशन ऑफ यूगलिना सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी और दूसरी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का डिफरेंस नहीं बताया गया। ये दो डिमेरिट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम कहता है। इन 1866 अर्नस्ट हैकल प्रपोज अ थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा टू अकोमोडेट यूगलिना लाइक ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया। कहता है इन 1866 में अर्नस्ट हैकल ने एक तीसरा किंगडम प्रपोज किया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन कौन से किंगडम हो गया, फिर किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा। कहता है किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से एनिमल्स रखे उसने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूगलिना और बैक्टीरिया। कहता है इन 1937 ई चैटन सजेस्ट डिफरेंशिएट टर्म प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। कहता है 1937 में ई चैटन ने दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस किया कौन कौन सी प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है पहले, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, के ऐसे सेल जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस बनने से पहले मौजूद थे उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। या ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। कहता है प्रोकैरियोटिक लफ्ज कहाँ से लिया गया, ग्रीक वर्ड। प्रो का मीन होता है बिफोर और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। यूज टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलजी फॉर एग्जाम्पल। प्रोकैरियोटिक सेल की क्या एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एलजी, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो ये न्यूक्लियस बनने से पहले के सेल हैं तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रो कैरियोटिक। और दूसरी टर्म है यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। टू डिस्क्राइब एनिमल एंड प्लांट्स के लिए, जो जितने भी एनिमल और प्लांट्स के हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि उनमें वेल डिवेल्प न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये था, ये जो हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में डीमेरिट्स पढ़े थे, दोनों थ्री किंगडम में क्या कर दिए गए थे, रिजॉल्व कर दिए गए थे। यूगलिना जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस भी बता दिया गया। उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के डीमेरिट्स क्या थे, कहता सम बायोलॉजिस्ट आल्सो डिसएग्री अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। कहता अब इधर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में फंजाई की पोजीशन पर इशू बन गया कि फंजाई प्लांट की तरह की रिजेंबलेंस भी रखती है लेकिन एनिमल की तरह की भी रिजेंबलेंस रखती है। फॉर एग्जाम्पल कहता कि फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, मोल्ड, यीस्ट, मशरूम, ये सारी फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं। पीछे रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेयर, कहता है ये प्लांट्स की तरह रिजेंबल करती है क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, लेकिन ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ नहीं होते, मतलब ये खुद अपनी खुराक नहीं बना सकते। तो ये फिर एनिमल के साथ भी रिजेंबल कर रही है। तो कहता है इनका फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, खुद अपनी खुराक नहीं बना सकते, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं। कहता फंजाई आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉफ दैट ऑब्टेन एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल बाय ब्रेकिंग डाउन एंड अब्सॉर्बिंग फूड सब्सटेंसेस फ्रॉम द सराउंडिंग। कहता ये फिर ये क्या करते हैं, आप जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं, या जो पत्ते दरख्त से गिर जाते हैं उनकी क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसको अब्सॉर्ब करते हैं। हम क्या करते हैं, हम भी हेटरोट्रॉफ हैं, फंजाई भी हेटरोट्रॉफ है, लेकिन हाँ एनिमल्स और फंजाई में डिफरेंस क्या है कि फंजाई क्या करता है, खुराक को ऑब्जॉर्व करती है, हम एनिमल्स क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। मतलब एनिमल्स के पास एक प्रॉपर ओपनिंग होती है जहाँ से वो फूड को इनगल्फ करते हैं, लेकिन फंजाई के पास ऐसी कोई स्पेशल पोर्स नहीं है, स्पेशल कैविटी नहीं है जहाँ से वो फूड को इनगल्फ करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं। अब्जॉर्प्शन की एग्जांपल ऐसे ही है जैसे कहीं पानी गिरा हो तो आप उसके ऊपर फोम रख दें, तो फोम क्या करती है कि जितना भी फोम का सरफेस टच होती है पानी के साथ वहाँ से वो क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसी तरह फंजाई का, तो फंजाई पहले फूड को ब्रेक डाउन करती है, उसके बाद अपनी बॉडी के ऊपर रखती है फूड के, और उसको जहाँ जहाँ से बॉडी सरफेस टच होती है वहाँ से फूड को ऑब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद दूसरी उसने बताया कि सेल वाल जो
फंजाई के अंदर सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी हुई है, काइटन से। जो प्लांट में सेल वॉल होती है वो किससे बनी मिलके बनी होती है, सेलुलोज से। ये हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फंजाई की सेल वॉल का जो सेलुलर कंपोनेंट है वो काइटन है, लेकिन जो प्लांट है उसकी सेल वॉल का जो केमिकल कंपाउंड है वो कौन है, सेलुलोज। तो ये था डीमेरिट्स ऑफ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक फंजाई का डिफरेंस, फंजाई की लोकेशन ही बताएगी, प्रॉपर पोजिशन का मसला है कि ये दोनों की तरह रिजेंबलेंस करती है, प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक भी। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटेकर। इसको किसने प्रपोज किया, रॉबर्ट विटेकर ने कब किया है, 1969 में। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन थ्री किंगडम ऑफ थ्री डिफरेंट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद थ्री प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, अब्सॉर्प्टिव एंड न्यूट्रिशन। द फाइव किंगडम कहता कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसको किस बेस पर डिवेल्प किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोक्रियाटिक है या यूक्रियाटिक है। और उसके बाद दूसरा चीज़ है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। जितने भी आपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहे होंगे, एक तो उसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, दूसरा उसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। मतलब कि आपको नाम याद होना चाहिए, उसके बाद उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन याद होना चाहिए और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद होना चाहिए। पहला किंगडम है किंगडम मुनेरा। कहता किंगडम मुनेरा में क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक से मुराद के उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, और यूनिसेलुलर से क्या मुराद है कि ये सिर्फ है सिंगल सेल पर बिस्मिल है। तो ये इनकी क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पहला पॉइंट कम्प्लीट हो गया कि क्या ये प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूनिसेलुलर। उसके बाद इसी का आपने एग्जांपल दे देनी है, और चौथी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता देना कि ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। कहता किंगडम प्रोटिस्टा में आपने सबसे पहले क्या बताना है, इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसकी, कि ये यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसकी, यूक्रियाटिक और यूनिसेलुलर। उसके बाद इसकी एग्जांपल दे देनी है, फॉर एग्जांपल यूग्लिना एंड अमीबा। कहता है इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑल यूक्रियास दैट डिडंट फिट द डेफिनेशन ऑफ प्लांट्स फंजाई एंड एनिमल वर इन प्रोटिस्टा। मोस्ट प्रोटिस्टा आर इन यूनिसेलुलर फॉर्म, बट दिस किंगडम आल्सो इंक्लूड रिलेटिवली सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर बिलीव टू बी डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहता है किंगडम प्रोटिस्टा में मेजॉरिटी तौर पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है। तो वो मल्टीसेलुलर कैसे है, सिंपल मल्टीसेलुलर। सिंपल मल्टीसेलुलर से क्या मुराद है, कि ये सिंपल मल्टीसेलुलर इसलिए बोला कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक है, सिंपल मल्टीसेलुलर से मुराद है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, मतलब ये रिप्रोडक्शन सिर्फ कैसे करेंगे, एसेक्सुअली करेंगे। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि मल्टी सेलर और सिंपल मल्टी सेलर में क्या डिफरेंस है, कि सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये था इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका भी, ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। थर्ड किंगडम प्लांटी। कहता प्लांटी की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये ऑटोट्रॉफ है। ये दो चीज़ें बतानी थी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूकैरियोटिक और मल्टी सेलर, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ से क्या मुराद है, कि ये अपने खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। खुराक तैयार करने से क्या मुराद है, कि ये इन ऑर्गेनिक मटीरियल को ऑर्गेनिक मटीरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है इसकी एग्जाम्पल है मोसिस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद है फोर्थ किंगडम है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई की मोड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर, और ये इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉफ। कहता है यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर रिड्यूसर्स फॉर एग्जांपल मशरूम। उसके बाद इसकी एग्जांपल है मशरूम। नेक्स्ट इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया हुआ है कि ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। इसके बाद हमने हेटरोट्रॉफिक पीछे पा रहे हैं कि ये कैसे हेटरोट्रॉफिक हैं, ये अपनी फूड को इंजेस्ट नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं।
ये पहले अपनी खुराक को ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करेंगे, डीकम्पोज करेंगे। डीकम्पोज कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। कहता जब डाइजेस्टिव एंजाइम ऑर्गेनिक मटेरियल की ब्रेक डाउन कर देंगे तो पंजाइ क्या करेंगे, उनको ऑब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये था इनका मोड ऑफ न्यूक्लिएशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, इसकी यूकेरियोटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और मल्टी सेलर, एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है। उसके बाद दूसरा क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, अब्सॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। और साथ में एग्जांपल दे देनी है, फॉर एग्जांपल मशरूम, ब्रेड, कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है यूकेरियोटिक और मल्टी सेलुलर, मतलब कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है, यूकेरियोटिक और मल्टी सेलुलर। उसके बाद बताना कि ये क्या है, इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये हेटरोट्रॉफ है और कौन से हैं कंज्यूमर है, मतलब कि ये दूसरे एनिमल पर या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं और ये अपने खुराक को इंजेस्ट करते हैं। कहते हैं एनिमल्स लिव्स मोस्टली बाय इंजेस्टिव फूड एंड डाइजेस्टेड विद स्पेशलाइज्ड कैविटी। कहते हैं ये फूड को इंजेस्ट करते हैं, मतलब इनके पास प्रॉपर ओपनिंग होती है फूड को इनगल्प करने के लिए, और ये अपनी खुराक को जो ऑर्गेनिक मटीरियल दे रहे हैं उसको डाइजेस्ट कहाँ करते हैं, ये इनके पास एक स्पेशलाइज्ड कैविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉमिक है, ये क्या है, एक कैविटी है, वहाँ पे जाके अपनी फूड को डाइजेस्ट करते हैं। कहते हैं दे लैक सेलुलोज एंड शो मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल बर्ड एंड रेप्टाइल। सेलुलोज एबसेंट होती है, क्यों सेलुलोज एबसेंट है, क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सेलुलोज भी क्या होगी, एबसेंट होगी। उसके बाद इसके एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो ये था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो लास्ट वाली तीन किंगडम है, एनिमेलिया, प्लांटी और फंजाई, ये सारे क्या हैं, यूकेरियोटिक और मल्टी सेलुलर। उनके बाद तीनों में मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिफरेंस है। प्लांट के हाइटोट्रॉफ है, फंजाई भी फंजाई और एनिमल दोनों हाइटोट्रॉफ, दोनों में डिफरेंस क्या है, फंजाई अब्सॉर्प्टिव हाइटोट्रॉफ और एनिमेलिया इंजेस्टिव हाइटोट्रॉफ। वर्क ऑफ लिन मार्गुलिस एंड कार्लिन श्वार्ट्ज़, ये दोनों फीमेल साइंटिस्ट थी। कहता है लाइन मार्गुलिस एंड कार्लिन श्वार्ट्ज़ मॉडिफाइड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ टेक बाय कंसीडरिंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रिशन, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड ऑर्गेनेलीज ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। कहता है लाइन मार्गुलिस एंड कार्लिन श्वार्ट्ज़ ने भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की। इनकी क्लासिफिकेशन में भी सेम वही फाइव किंगडम थे जो रॉबर्ट विटेकर ने प्रपोज किए थे, लेकिन इनकी जो बेसिस थी वो डिफरेंट थी। रॉबर्ट विटेकर ने सिर्फ दो चीज़ों को कंसीडर किया था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, लेकिन इन्होंने दो तीन चीज़ों को और इजाफा कर दिया। साइटोलॉजी को भी इन्होंने कंसीडर किया, जेनेटिक्स को भी कंसीडर किया और ऑर्गेनेलिस को भी कंसीडर किया। इन चारों पाँचों बेसिस पर के ऊपर इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया और उनकी क्लासिफिकेशन भी सेम थी। ये सबसे पहले क्या, किंगडम मोनेरा, मोनेरा की एग्जाम्पल बैक्टीरिया। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा की एग्जाम्पल यूग्लिना। प्रोटिस्टा से आगे तीन फर्दर जो किंगडम है वो इवॉल्व हुए हैं, वो कौन कौन से, प्लांटी किंगडम, फंजाई किंगडम, एनिमेलिया। एनिमेलिया के एग्जाम्पल ह्यूमन या बर्ड्स, रेप्टाइल कुछ भी हो सकता है, फंजाई की एग्जाम्पल और प्लांटी की फ्लावरिंग प्लांट। तो ये था रिलेशनशिप ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज मीन बाय फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इससे इसकी आपने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, साथ में ये डायग्राम लेबल कर देनी। व्हाट आर ऑटोट्रॉफ, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एंड एक्सप्लेन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विद द लेबल डायग्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।